बालको नगर के वार्ड पार्षद हितानंद अग्रवाल ने सोमवार को वार्ड के सामुदायिक भवन में निगम के स्वच्छता मित्रों का सम्मान करते हुए उन्हें शॉल भेंट किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्वच्छता मित्र के साथ वार्ड क्रमांक 35 के नागरिक और दूसरे लोग मौजूद रहे। खुद के सम्मान के बाद सफाई कर्मी काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। मीडिया से बात करते हुए पार्षद हितानंद अग्रवाल ने बताया कि सफाई कर्मी समाज का अंतिम नहीं बल्कि प्रथम व्यक्ति होता है। समाज के लिए उनकी भूमिका को परिभाषित नहीं किया जा सकता। सफाई कर्मियों का कोई विकल्प नहीं है और अगर हम शहरवासी खुले में सांस ले पा रहे हैं तो इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान हमारे सफाई मित्रों का भी है। हितानंद अग्रवाल ने बताया कि वह निगम और राज्य सरकार से स्वच्छता कर्मियों के वेतन वृद्धि की मांग करते हैं ताकि उनके परिवार के साथ ही उनके बच्चों की परवरिश में किसी तरह का कोई अभाव ना आए। इस पूरे कार्यक्रम में हितानंद अग्रवाल के साथ मुख्य अतिथि गोपाल केड़िया, रमेश सोनी व महिला नेता मंदाकिनी त्रिपाठी मौजूद रहीं। सभी ने पार्षद के इन प्रयासों की मुक्त कंठ से सराहना की। दिवाली के बाद मन ने एक भाव एक इच्छा की कि जो हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति हैं, जो हमारे स्वच्छता मित्र हैं, ऐसे लोगों का भी हम सम्मान करें। ठंड का मौसम आ रहा है, ठंड से बचाव के लिए इन्हें शॉल भेंट की जाए, तो इसीलिए एक यहाँ पे छोटा सा सम्मान कार्यक्रम रखा गया था जिसमें स्वच्छता कर्मी भी तीन प्रकार के होते हैं। एक रहते हैं जो डोर टू डोर जाके कचरा इकट्ठा करते हैं और SLR सेंटर में देते हैं। एक वर्ग होता है जो रोड में साफ सफाई, झाड़ू और नालियों का काम करते हैं। और एक स्वच्छता मित्रों में ही एक वर्ग रहता है जो बड़े विषम परिस्थिति में काम करते हैं, नालों में, गटर में उतर के मैले को उठाना, इस प्रकार का काम। वैसे तो मैले को मैनुअल उठाना वर्जित है, शासन के द्वारा रोक लगाई गई है, लेकिन फिर भी हमारे नगर निगम क्षेत्र में इसकी व्यवस्था मशीन के द्वारा नहीं की जा रही है, जिसके कारण मैनुअल उठाने के लिए ऐसे हमारे स्वच्छता मित्र विवश हैं। और यह इन्हीं की देन है कि आज हम खुले हवा में सांस ले पा रहे हैं और हम स्वस्थ हैं। समाज के हर व्यक्ति की खुशहाली में और स्वस्थ रहने में इनका बड़ा योगदान है। और यहाँ पे न्यूनतम वेजेस से भी कम इनकी तनख्वाह, तो इनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए जिससे इनका स्तर सुधरे, इनके बच्चों को अच्छा शिक्षा, अच्छी परवरिश मिल सके।